अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं, एक वलीमा है, कैमरामैन को भी कार्ड है, मुझे भी कार्ड है। तो कैमरामैन ने शफकत किया कि मुझे कहा है कि आप ना गाड़ी पे चलें, तो उसने गाड़ी का अरेंज किया। मैंने कहा चलो जी, मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। तो अभी हम जा रहे हैं वलीमे पे, देहात में, हमारे गाँव में। आजकल चाहे शहर में हो चाहे देहात में हो, तो वलीमे अच्छे करते हैं, यानी पहले की निस्बत। दिखाता हूँ कि देहात में कैसे वलीमा होता है। चलो जी, गाड़ी में तो हम बैठ गए, माशाल्लाह। यहीं से अब हम चलेंगे राइट साइड पे, और ये हमारी सोलंग से मेन रोड आ गई है। रोड से हम राइट साइड पे जाएंगे, और वहाँ से चौक से सीधा होते हुए, क्योंकि पेट्रोल भी डलवाना है गाड़ी में। ये हमारा राइट साइड वाला रोड है, दोनों साइड से हमारे माशाल्लाह रोड लगते हैं। थोड़ी सी बस है कच्ची सड़क, उससे आगे मेन रोड आ जाता है। यही हमारा चौक, ये चौक हमारा बहुत बिजी है, और यहाँ से हम, माशाल्लाह बड़ी गहमा गहमी होती है चौक पे, और यहीं से हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी ली जाती है। चौक हमारा बख्तियारी, यहाँ पे दोस्तों हर आजकल तो हर चीज़ मतलब अवेलेबल होती है, चाहे मिठाई हो, मुर्गी हो, गोश्त, सब कुछ, सब्जियां, सब कुछ। और ये शीरी भाई भी ये जा रहा है जी। माशाल्लाह हम अपनी मेन रोड पे आ गए हैं, और यहाँ से हम पेट्रोल पंप पे जाएंगे। ये हमारी अलीपुर की, और ये तरंडा, और साथ का बात रहीम खान, कराची की मेन रोड यही है। चलो जी, हम ये हमारा इंटरचेंज, ओ शरीफ का पेट्रोल पंप, ये इनका पैमाना तो कहते हैं ठीक है, अब पूरा पता नहीं है। यहाँ से हम पेट्रोल डलवा के तो फिर वलीमे पे जा रहे हैं। कितने का डलवाना है? चलें 1500 का ये डलवाना है तेल, क्योंकि पहले भी खड़ा है, तो चलो गुजारा चल जाएगा। माना पता नहीं ठीक है या ऐसी स्पीड पता ही नहीं है, देखते हैं। अब हम यहाँ मेन से नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि वलीमा इसी से नीचे से के तरफ से है। ये हमारा लल्लू वाला पुल, एक लल्लू वाली मोरिया जैसे, यहाँ पे चाचा रज्जब होता था, अल्लाह उसे जन्नत जगा दे। यहाँ पे हम आते थे चाय पीने के लिए। ये हमारे वो भाई प्यारे मुस्तन सर की दुकान है जी। तो दोस्तों हम फाइनली अपनी जगह पे पहुँच गए हैं, यहाँ से खाना तैयार हो रहा है। ये बंदे नज़र आ रहे हैं आपको, और सामने देखें ये बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है, ये यहाँ से खाना लेके जा रहे हैं, और वो टेंट है आगे हम जा रहे हैं जी। माशाल्लाह फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे ये टेंट वगैरह लगा हुआ है, और शिफ्ट भी लगी हुई है। चलो जी, ये होगा जल्दी हम फारे हो जाएंगे। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, सारे दोस्त यार हमसाया से कहीं भी टेबल पर एक भी सारा ना ना कोई मसला नहीं, बिना खाओ आवे से खाए रे गरज मंडे से बैठे ना ना खाए। अच्छा रात की रोटी का रात तो सही है। अच्छा जी, माशाल्लाह हमने वलीमा खा लिया है, कैमरामैन साहब भी, और बस मज़ा आ गया है। लेकिन गर्मियों में बड़ा मुश्किल होता है खास तौर पे ना। ये हमारा सारा गांव है दोस्तों, सर हमारा चौक वो शरीफ। हम यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि वलीमा खा के, डलवली मोरी पे वलीमा था, डलवली पोर पे। अब ये शरीफ चौक है, यहाँ से कुछ सब्जियाँ, सामान, तरकारियाँ लेकर इंशाल्लाह फिर हम अपने घर की तरफ जाएंगे। यहाँ से टर्न करके ये एम सी बी बैंक है, और वो सामने है आई बी साम से।
रोटी अल मिज़ान है। जी दोस्तों, अब हम वापस जा रहे हैं शहर से होके, देखते हैं कोई जूस पैंट पे थोड़ा सा रुके हैं, क्योंकि वलीमा खाया है तो हमें गर्मी लगी हुई है। अब माशाल्लाह काम काज करके हम वापस जा रहे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम कोई जूस पैंट पे आके कोई जूस पी लेते हैं, क्योंकि वो गोश्त खाया था तो गर्मी हो रही है, इसलिए ये है हमारा जूस पैंट। इसकी मैंने वीडियो भी कई बार बनाई है अतीक भाई के पास, और यहाँ से हम जूस पी के फिर रवाना होते हैं। जूस वाले को नींद आई हुई है अतीक भाई को, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये हाल है अतीक भाई का, फौरन पता चल गया उन्हें, हालांकि नींद आई हुई थी। हाँ जी कैमरामैन साहब, कौन सा जूस पीना है? आम का, मैंने तो आम का कहा है। आम का ठीक है, चलें जी भाई आप आम का बना के दें। दही भले अभी तो खाना खा के है ना, बाकी कोई चीज़ नहीं खानी, सिर्फ ये जूस पीना है। आम का बना दें क्योंकि मौसम का है ना, आज कल इसी का सीज़न है। साथ ही ये सी पैक है, और सी पैक के साथ ये हमारा बेहतरीन पॉइंट है, यहाँ पे आके हम जूस वगैरह पी लेते हैं। तो अभी लाला स्टार्ट कर रहा है। अतीक भाई बहुत ज़बरदस्त किस्म का जूस भी बनाते हैं, और सफ़ाई का भी ख़ास ख्याल रखते हैं। ये अतीक भाई के पॉइंट के साथ साथ ये क्या कहते हैं, वहाँ पे बर्गर शर्गर ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। शाम के टाइम ज़्यादा माहौल होता है ब्रदर, इसलिए हम ज़्यादातर इसी जगह पे आके जूस जो भी चीज़ लेनी हो ले के तो जाते हैं, मुल्तान या जिधर भी। जी हाँ दोस्तों, जूस आ गया है। मैंने तो गिलास कहा था, लाला ने मग्गे बना दिए हैं भर भर के, हालांकि खाना भी खाया हुआ है। चलें कोशिश करते हैं। चलो जी कैमरामैन साहब पियो, मग्गे बना के दे दिए उसने लाले ने, हालांकि मैंने खाना भी खाया हुआ है, फिर भी मुझे लगता है कैमरामैन ने इशारा किया है कि मग्गे बना लेना, लगता है खाना कम मिला है वहाँ पे। चलो जी कैमरामैन साहब बैठ गए हैं गाड़ी में, हम भी जा रहे हैं। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी करी। हाँ शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त पिलाया वैसे जूस। लेडीज़ का इंतज़ाम भी है यहाँ पे, सफाई भी हो रही है। दोस्तों डेली का मौसम इस तरह का बन जाता है। अब ये बादल, ये देखें बादल आ गए हैं इसके ऊपर। अब शाम का टाइम जैसे ही होता है तो बादल शुरू हो जाते हैं। अब हम बस तेज़ी से जा रहे हैं ताकि घर पहुँच जाएँ। ये हमारी पंज नदी यानी दात पोत्रा पुल है। ये हमारा पुल बड़ा तंग है, ये देखें एक गाड़ी आ रही है तो सारी की सारी हमने बंद कर दी है, बाकी गाड़ियाँ सारी, क्योंकि ये इधर से गुजर जाएगा तो फिर बाद में बाकी गुजर। ये नहर है ख़तरनाक, इसे पुल सरात कहते हैं। ये देखिए कोई भी नहीं है यहाँ से, कोई सपोर्ट है, कितने नुकसान हो चुके हैं, किसी को जू तक नहीं रिंगती। ये देखिए ये इसका एंड, आने जाने का बहुत प्रॉब्लम होता है। ये देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे स्पोर्ट, ठीक है कई गिरे हैं यहाँ पे। जी आपके दोस्तों माशाल्लाह, जैसे हम गए थे वैसे ही हम इसी जगह से गए थे और इसी जगह पे वापस आ गए हैं। सोनिया इधर खड़ी हुई है, नज़र नहीं आ रही। अब हम चाहेंगे इजाज़त, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में दोबारा मुलाकात होगी। हमारा वलीमा हो गया है, वहाँ से हो के खा पी के सारा काम करके हम वापस आ गए हैं। आप लोग इसे चाहेंगे इजाज़त, नेक्स्ट दोबारा मुलाकात होगी। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।